कि आप प्रशांत किशोर से कैसे मिले, कब मिले और जनसुराज से कैसे जुड़े, क्या चीज आपको प्रभावित की? सबसे पहले तो ये कहूं कि जन स्वराज पिछले 2 सालों से बहुत एक्टिव है। प्रशांत जी की पदयात्रा जब से शुरू हुई है, धीरे धीरे करके जनमानस के पटल पे ये छा गया है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बिहार में पिछले 35-40 सालों से जो कुछ भी जनता ने देखा है उससे वो अब ऊब गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जब तक ये जानी पहचानी पार्टियां उनको रूल करती रहेंगी तब तक बिहार में सही बदलाव नहीं आएगा। 35 साल पहले बिहार की जो हालत विकास स्तर पे थी देश में, वो आज भी वही है, सबसे निचले पायदान पर। तो बिहार की जनता भी अब एक बदलाव चाहती। जब मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस को विदा किया फरवरी एंड में लास्ट ईयर 2023 में, तब से हमारे यहाँ लगभग एक साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। उसके बाद मेरे मन में ये चाह थी कि समाज को हम क्या दें। मैं जिस समाज से आता हूँ उसमें खुद ही मैं अपने आप को एक प्रिविलेज्ड आदमी मानता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लाखों हमारे भाई बंधु साथी लोग और फिर बाकी जो बिहार की जनता है, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही दयनीय हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने बिहार में चेंज चाहा। पिछले 35 सालों में लगभग 2 जनरेशन निकल गया है लेकिन वो चेंज आज तक नहीं आया। इस समय में प्रशांत किशोर जी ने जो कुछ भी जनता के सामने रखा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ जन स्वराज की मूलभूत नीतियां, इसके सिद्धांत, वो सब एक रिफ्रेशिंग एयर की तरह है। जो भी उन्होंने 2 अक्टूबर को मंच से भी बताया अंतिम बार, वो आप अगर सुने तो आपको लगेगा कि एकमात्र तरीका अगर बिहार को बदलने का है तो यही है। और वो मूल मंत्र क्या है? वो है बिहार में लोगों की समझ को बदलना, लोगों को ये बताना कि पिछले 35-40 सालों में जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके ऊपर राज किया है उससे उन्होंने जो कुछ मांगा वो सब उनको मिला, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं मांगा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा। तो फरवरी 2023 में आपने ये आईएफएस को त्यागा और वहां पे उसके बाद आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े, तो क्या उसी वक्त आप डिसाइड कर लिए थे कि आप प्रशांत किशोर के साथ ही जाने वाले हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा एक साल का कूलिंग ऑफ पीरियड था, उस समय मैंने अपने रिटायरमेंट को बहुत एंजॉय किया, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। तो पहली मुलाकात के बारे में जरा बताइए कि प्रशांत किशोर से आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कैसे पहले फोन आया या आपने फोन किया, कैसे आप उनसे मुलाकात कैसे की, आप पहले ये बताइए। आप बहुत अंतरंग बातें पूछ रही हैं। नहीं, मैं इसमें सही सही बता दूं कि बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही थी कि प्रशांत जी से मुझे मिलना है। मैं ही हिचकिचा रहा था, मैं बहुत दिनों तक हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं राजनीति में बहुत एक्टिव कभी नहीं रहा हूं और मुझे पसंद भी नहीं था, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि ये चाह थी कि समाज को कुछ वापस देना है और समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो जागरूकता है, वो उसकी प्रेरणा मुझे अपने ससुर जी से मिली, 1961 के IPS ऑफिसर बिहार कार्डर के स्वर्गीय श्री मैकुराम। और वो अपने जमाने के बहुत प्रखर लीडर थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी जो अब मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे खटक रही थी कि मुझे अब कुछ करना है। तो इसमें सौभाग्यवश या एक नेचुरल प्रोग्रेशन कह लें, मेरी पत्नी का बहुत हाथ है, उनके कारण ही मैं प्रशांत जी से मिला। और प्रशांत जी ने मुझे पहली मीटिंग में पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है और
ये कारण है कि मुझे लगता है कि राजनीति बहुत गंदी जगह है और वहां धन और बाहुबल या ये चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जन स्वराज के मूलभूत सिद्धांतों में ये बात है कि ना तो हमें धन या ना बाहुबल और ना ही पॉलिटिकल एंसेस्ट्री, इसकी जरूरत है अपने नेताओं को ढूंढने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया कि अगर आपके मन में कुछ करने का मादा है और कुछ करने की चाह है तो हम आपका स्वागत करते हैं। और फाइनली उन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैंने सोचा कि एक ईमानदार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, जी तो यही वो ईमानदार कोशिश है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये पद दिया गया है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें कि एक नई राजनीतिक पार्टी को की शुरुआत होनी है,